अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हजरात की खिदमत में आज फिर से हाजिर है एक ऐसी वीडियो लेकर और एक ऐसा कुदरती जड़ी बूटी का देसी फार्मूला कि जो आपके बॉडी के एतबार से और आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और ताकतवर नुस्खा है। तो नाज़रीन, ये नुस्खे की तरफ चलने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियो अगरचे आपको पसंद आती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ अगरचे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे असली सलाजीत के फ़ायदे के बारे में कि असली सलाजीत के फ़ायदे कितने होते हैं और किस ये मिजाज का होता है, क्या इसका नाम होता है और इसको किस तरीके से जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो नाज़रीन, इसको कहते हैं हजरुल मूसा, यानी हजर यानी एक पत्थर का नाम होता है और मूसा एक पहाड़ का नाम होता है। जैसा कि मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ ये तिब्बी किताबों के हवाले से बोल रहा हूँ, लुगत में मैंने इसका जो नाम पूरा डिटेल्स देखा हूँ क्योंकि ये सुनी सुनाई बात नहीं है। तो मूसा हजरुल कहते हैं एक पत्थर को और मूसा कहते हैं एक पहाड़ को, और पहाड़ से जब इसको पहाड़ को फोड़ा जाता है, पहाड़ को काटा जाता है, तो जिस जगह से ये पहाड़ टूटता है, कटता है, वहाँ से एक पसीस निकलता है, एक पानी सा निकलता है, एक पसीना निकलता है जो जमने के बाद में जो है तो एक सलाजीत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी ये है पत्थर का पसीना या पत्थर का अर्क भी इसको कह सकते हैं या पत्थर का पानी भी इसको कहते हैं जो जाके जम जाए। और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बआसानी ये मिल जाता है, बहुत सारे पहाड़ों में इसकी पैदावार होती रहती है। तो अब इसको ये तो हुई इसकी पहचान, अब कौन से मिजाज वाले इसको लेंगे? जिनका मिजाज गर्म है ऐसे गर्म मिजाज वाले इसको ना लें, और जिनका मिजाज जो है सर्द तर है ऐसे मिजाज वालों के लिए तो ये आबे हयात समझो, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ऐसे मिजाज वालों के लिए। और इसका जो काम होता है हमारे, ये मकवी बा भी है, यानी मकवी बा यानी कुव्वत बा की जितनी भी तमाम तर कमज़ोरियाँ, यानी कुव्वत बा में जितने भी नाम कमज़ोरी के अतबार से अगरचे आप जाहिर करना चाहें तो ये बिल्कुल उसके लिए तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जो है ये हमारी बॉडी को ताकत भी देता है, और इसके अलावा हमारी बॉडी की जो जिस्मानी कमज़ोरी होती है उसको भी ये दूर करता है। जिन हजरात को अस्थमा खांसी है उसमें भी ये बहुत अच्छा किरदार इसका होता है, और जिन हजरात को किडनी में पत्थर बनता है तो ये पत्थर को तोड़कर मसाना के ज़रिए ख़ारिज करने का भी काम करता है। ये सबसे अहम चीज़ इसके अंदर कि जिन हजरात को स्टोन का प्रॉब्लम है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या रहेगा, तो हम आ जाते हैं तरीक़ा इस्तेमाल की तरफ कि जिस्मानी कमज़ोरी जितनी भी अगरचे आपको है तो आप जो है इसको 1 ग्राम ले लें, और 1 ग्राम लेने के बाद में जो है इसको चूरा कर लें, और चूरा करने के बाद में इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। जैसे आपने देखा होगा कि जो साइकिल के छर्रे आते हैं इस माननी इसकी गोली बना लें। अब इसकी गोली बनाने के बाद में इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो आप इसको सुबह रोज़ाना ने हर मुँह दूध से भी ले सकते हैं, रात में सोने से कबल भी ले सकते हैं, जिन हजरात को खांसी है उसको 1 ग्राम नीम गर्म पानी में डालकर भी ले सकते हैं, जिनको स्टोन का प्रॉब्लम है उसका भी तरीका इस्तेमाल ये रहेगा। इतने फ़ायदे हैं नाज़रीन, और इसका सबसे बड़ा अहम जो किरदार है ये जिस्म की किसी भी तकलीफ़, जिस्म की किसी भी कमज़ोरी के लिए बहुत ही कामयाब है। तो नाज़रीन, सलाजीत को अच्छे तरीके से ख़रीदें, और ये तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई सिरप कोई माजून की इंशाल्लाह लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किन लोगों को इस्तेमाल करना है तो मैंने वो भी बता दिया हूँ, अगरचे जिन हजरात को डायबिटीज़ शुगर है वो भी इसको 1 ग्राम पानी में लेके बॉईल करके इसका जब ये पूरा पानी में घुल जाए इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी था नाज़रीन, वीडियो अगरचे आपको पसंद आई होगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपसे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, फिर दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।